Welcome to my class, student. It's class 8, English Honeydew. We are doing chapter 6. This is Jody's Fawn and this is session 1. In this story, a beautiful relation between Jody and Fawn is depicted. When you will go through this story, you will find how a boy can be so sentimental, so caring about Fawn, and then you would love Jody for his kindness, for his greatness. Let's start the story. This is the part 1. In this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. Jody ke papa ko rattlesnake ne kaat liya, bit kya. He quickly kills a doe. To unhone kya kya? Turant ek hirin ko mara and uses its heart and liver to draw out the poison. Aur uske heart aur uske liver ko unhone nikal ke apne sharir ke poison ko unhone दूर किया. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a one mother. और Jody की क्या टेंशन थी? Jody ये सोच रहा था कि वो जो डो है, उसका जो बेबी है, जो फॉन है, वो अपने माँ के बगैर कैसा सोच रहा होगा. See what a great, great thought Jody has at that time. Though he is very happy that his father's life has been saved, but who has saved his father's life? That doe. And what about the doe's kid? That fawn. Jody is thinking about that. Fawn. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. Now Jody is always thinking about the fawn. वो सिर्फ फॉन के बारे में सोच रहा है. He could not keep it out of his mind. वो किसी भी तरीके से अपने दिमाग से उस फॉन को निकाल ही नहीं पा रहा है. He had held it in his dreams, in his arm. वो अपने सपनों को उस फॉन को अपने हाथों में उठा के रखा है. उसने सपने में वो फॉन ही फॉन उसके दिख रहे हैं. He slipped from the table and went to his father's bedside. तो क्या क्या? वो अपने पापा के bedside के पास गया जहाँ उसके पापा आराम कर रहे थे. Penny lay at rest. What is the name of father? Penny. Penny is Jody's father. Name of Jody's father is Penny. Penny lay at rest. Penny rest कर रहे थे. His eyes were open and clear. तो उनकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी क्योंकि पॉइजन निकल चुका था शरीर का. But the pupils were still dark and dilated. लेकिन उनकी जो आंखों की पुतलियां थी वो अभी भी डार्क थी और थोड़ा मॉइस्ट थी. Jody said, How are you feeling? Pa, Jody ने पूछा, पापा आप कैसा फील कर रहे हो? Now dilated, expanded. बिकॉज उनकी आंखें खुली थी बट पीपल्स इज लिटिल बिट एक्सपेंडेड एंड ड्रिफ्ट बैक टू गो बैक टू. Jody के जो ड्रीम्स थे वो बार बार फोन की तरफ जा रहे थे. उसका जो ध्यान था बार बार फोन की तरफ जा रहा था. जस्ट फाइन सन, ठीक हूँ बेटा. ओल्ड डेथ हैज गॉन थिपिंग एल्सवेयर. ओल्ड डेथ लगता है जो मृत्यु है, ओल्ड डेथ वो कहीं और चोरी करने गए हैं किसी की जान को. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मैं बाल बाल बचा? बहुत ही फंस चुका था मैं ओल्ड डेथ के चंगुल में, लेकिन मैं बच गया. इट्स अ क्लोज शेव. आई एग्री. हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय. पेनी ने क्या बोला? मुझे तुम पे गर्व है. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. जिस तरह से तुमने अपने आप को काम रखा जब पेनी को रैटलस्नेक ने काटा. Jody was there with his father. तो Jody ने जिस तरह से अपने आप को काम रखा और उसने वो काम किया जो जरूरी था पापा के पॉइजन को निकालने के लिए, तो पेनी कह रहे हैं कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है. पा, यस सन. तो Jody कहता है कि पापा. बोला हाँ बेटा बोलो. पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. क्या आपको याद है? वो डो के साथ एक फोन भी था. डू यू रिकलेक्ट, क्या आपको याद है? द डो एंड द फोन, वो जो एक डो थी उसके साथ एक फोन भी था. अ क्लोज शेप, अ नैरो एस्केप, केप्ट योर हेड, स्टेड काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. देखो ये Jody है, वो अपने पापा से बात कर रहा है और Jody किसी भी तरीके से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा है फोन से. उसको हर समय उस फोन की याद आ रही है क्योंकि उसने उस समय डो को फोन के साथ देखा था. एंड नाउ हिज फादर इज लुकिंग ओके, ही इज गेटिंग वेल. लेकिन इनकी आंखें खुली हुई है और उनकी जो पुतलियां हैं वो एक्सपेंडेड है और वो Jody से बात कर रहे हैं. I
कैन नेवर फॉरगेट देम, मतलब मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. ये तो निश्चित है कि उस पुअर डो ने, उस हिरन ने मेरी जान बचाई. पा द फोन मे बी आउट देयर येट, बोले पापा फोन तो अभी भी बाहर है, वो इधर उधर घूम रहा है. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, हो सकता बहुत भूखा हो सकता बहुत डरा हुआ हो. आई सपोज सो. तो पिता पापा ने कहा, पेनी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है. पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. लेकिन पा मैं तो बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या मैं बाहर जाके फोन को ढूंढ नहीं सकता? Why don't I go and see if I can find the phone? क्यों नहीं मैं बाहर जाऊं और देखूं अगर वो फोन मिल जाए. तो इस तरह से वो बच्चा अपने पापा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पापा उसको अलाउ करे और वो फोन को ढूंढ कर ले आए, क्योंकि किसी भी तरीके से जो फोन की मेमोरी को वो अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा था. और उसने जब बातचीत स्टार्ट की, उसने अपने पापा से क्या बोला कि नाउ यू आर फीलिंग वेल बट वॉट अबाउट दैट फोन, डोंट यू थिंक इज हंग्री, ही कैन बी स्केयर्ड, क्योंकि वो अकेला है, माँ के बगैर है और उसकी माँ उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ के लीवर एंड हार्ट से इसके पेनी के पॉइजन को निकाला गया है. एंड ब्रिंग इट हियर, तो वो कहता है कि मैं जाता हूँ, क्यों ना मैं बाहर जाऊं फोन को ढूंढू और उसे यहाँ ले आऊ. एंड रेज इट, और उसे यहीं पे बड़ा करूं, अपने साथ रखूं. पेनी ले क्वाइट, पेनी चुप हो गए. स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो अपने सीलिंग को देख रहे थे, छत की तरफ देख रहे थे. बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बोले मैं क्या बोलूं, तुमने सही सोचा है. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, मतलब कि पापा ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको बड़ा करने में. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, वो तुरंत ही कुछ ही महीनों में वो पत्तियां खाने लग जाएगा और एक एकॉर्न्स होते हैं वो खाने लग जाएंगे. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो पापा ने क्या कहा कि तुम्हारी जो उम्र के दूसरे बच्चों से तुम ज्यादा स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और हमने उसकी माँ की जान ली है, हमने उसके माँ को लिया है, इसलिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो अकेला है, स्केयर्ड है, ऑर्फेन है. तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फोन. नाउ हेम्ड इन, कॉट इन अ सिचुएशन वेयर कांट से नो, बट यू हैव हेम्ड मी, तुमने मुझे ऐसी पोजिशन में डाल दिया कि मैं ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उस डो की जान हमने ली है और हम रिस्पॉन्सिबल है उसके बच्चे के प्रति. अकॉर्ड स्मॉल ब्राउन नट्स इन, जो उसने कहा, किसने, जॉडी ने कहा कि कुछ ही दिनों में वो जो फॉन है वो बड़ा हो जाएगा, वो लीव्स और एकॉर्न्स खाने लग जाएगा. तो क्या है कि हमें अपने घर से मिल्क नहीं देना पड़ेगा, घर का खाना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना जो खुद का खाना है लीव्स एंड एकॉर्न्स वो खाने लायक बन जाएगा. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. हाँ ये बहुत ही ungrateful है, ये बहुत ही ungrateful है कि उसको हम भूखा मरने के लिए छोड़ दें. किसको, फोन को, to leave it to starve. तो कैसे जो पापा है वो भी फील कर रहे हैं कि हाँ हमने डो की जान ली है, तो उसके बच्चे की केयर करना हमारी जिम्मेदारी है. सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई दूसरा दिन देख सकता अगर उसकी माँ का लीवर और हार्ट हम यूज नहीं करते. कैन आई राइड बैक विद मिलीविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, लेकिन मैं क्या मिलीविल के साथ जा सकता हूँ, और उसे ढूंढ सकता हूँ. Tell your ma, I said you can go. तो क्या कहा पेनी ने, क्या कहा पेनी ने, उन्हें उस जॉडी को परमिशन दे दी और कहा कि आप अपनी माँ को बोलो कि मैंने आपको जाने के लिए कहा है. ही स्लाइड ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन. हु ही, जॉडी. जॉडी क्या किया, फिर से टेबल पे बैठ गया और उसने अपनी माँ को देखा. मामा वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन, मम्मी सबके लिए कॉफी बना रही थी. कौन कौन थे वहां पे, मिलविल भी थे, डॉक्टर भी थे, जॉडी भी था, तो वो सबके लिए कॉफी बना रही थी. नाउ सिडल बैक वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड, तो तुम जाओ धीरे से जाओ. सिडल बैक, वो जॉडी जो है धीरे से अपने टेबल पर आके बैठ गया, क्योंकि वो
टेबल से ही उठ के गया था अपने पापा के पास, द स्टार्टिंग पैराग्राफ यू हैव सीन, तो वापस से अपने टेबल पर आके बैठ गया, सीडल्ड बैक, वॉक बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, इस तरह से बैठा ताकि दूसरों की उस पर नजर न पड़े, वो धीरे से अपनी जगह पर आके बैठ गया। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, उसने कहा माँ पापा कह रहे हैं कि मैं जाके फोन को ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन माय डियर, तो उसकी मम्मी जब कॉफी डाल रही थी वो हाथ में बीच में ही रह गया, इन माय डियर, व्हाट फोन, किस फोन की बात कर रहे हो, द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, अरे उसी फोन की बात कर रहा हूँ जो जिसकी माँ डो को हमने मारा, वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उसकी माँ के लीवर को निकाल के अपने पापा के पॉइजन को हमने निकाला है तो, और हमने अपने पापा को बचाया है, तो उसी डॉग के बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। सी गैस्ड, वेल फॉर पिटी सेक, ओके ठीक है, तो उसे भी एक डीप ब्रेथ लिया सी गैस्ड और उसने कहा वेल फॉर पिटी सेक, ओके तुम्हें उन पे दया आ रही है। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, तो उसने क्या कहा, पापा कह रहे कि अगर हम उस फोन को भूखा मरने छोड़ दें तो इट विल बी अ वेरी अनग्रेटफुल एक्ट, डॉक विल्सन सेड, तो वहां पर डॉक विल्सन भी थे, दैट्स राइट मैम, उन्होंने क्या कहा, ये सही है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी आपको फ्री नहीं मिलता, नथिंग कम्स इन दिस वर्ल्ड क्वाइट फ्री, आपको कीमत चुकानी पड़ती है, द बॉयज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, ये जॉडी भी करेक्ट है और इसके डैडी भी सही है, अगर आपने नेचर से कुछ लिया है तो आपको नेचर को कुछ देना पड़ेगा, एंड दिस इज द यूनिवर्सल रूल बिकॉज नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड हिम, तो चूंकि तुमको आपको पता है जॉडी ने पहले ही अपने पापा को कहा था कि मैं मिलविल के साथ जाऊंगा और वो फोन को लेकर आऊंगा, तो मिलविल वही बैठे थे, उन्होंने क्या कहा, हाँ वो मेरे साथ जा सकता है और आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उस फोन को ढूंढने में इसकी मदद कर सकता हूँ। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, तो माँ जो सुन रही थी उसने क्या किया, पॉट को जो मिड एयर में था उसको हेल्पलेसली नीचे टेबल पर रखा। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, बोले ठीक है हम तुम्हें जो दूध मैं तुम्हें देती हूँ, द मिल्क दैट आई एम गिविंग यू, दैट मिल्क यू विल हैव टू गिव टू द फोन, क्योंकि वो छोटे से फोन को और कुछ हम नहीं खिला सकते क्योंकि वो लीव्स खाता है, कॉर्न्स खाता है और उसके लिए वो भी बहुत छोटा है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, तो मिलविल ने क्या कहा, आ जाओ बच्चे हम लोग राइड पर चलते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्स एंग्जायटीली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तो माँ बैक्स्टर नेम है जॉडी के मम्मा का, माँ बैक्स्टर आस्क्स एंग्जायटीली, बहुत ही चिंता से उन्होंने बोला, बहुत ही एंग्जायटीली उन्होंने बोला, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज्यादा दूर तक मत जाना, जहां पर हो जल्दी लौट के आ जाना। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इधर जो कन्वर्सेशन चल रही है, जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, हाँ रात के डिनर के पहले मैं श्योरली आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, तो मिलविल के पास घोड़ा था तो उन्होंने क्या किया, अपने हॉर्स को तैयार किया और जॉडी उनके पीछे बैठ गया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि वो जो फोन है वो अभी भी वहां होगा, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आप देख रहे हो कि एक बच्चा है जॉडी है जिसके पापा की जान बची है डो के लीवर एंड हार्ट से, और डो का जो बच्चा फोन है उसके लिए जो जॉडी है वो बहुत ही चिंतित है, उसको उसकी बहुत ही टेंशन हो रही है। तो उसने अपने पहले पापा को कन्विंस किया, कैसे कन्विंस किया आपने देखा, ही जस्ट सेड कि इट्स आवर ड्यूटी टू सेव द फोन बिकॉज द सेव इज विदाउट मदर। फिर पा ने कहा कि ओके यू गो एंड से योर मॉम कि आई हैव परमिटेड, आई हैव गिव यू द परमिशन, तो उसने अपने मम्मा से ऐसे कहा। और इसके पहले ही जॉडी ने मिलविल का रेफरेंस दिया कि मैं मिलविल के साथ जाऊंगा, मिलविल हमें अपने घोड़े में ले जाएंगे और मैं फोन को ढूंढ के ले आऊंगा। और जब मम्मा थोड़ी हेजिटेट कर रही थी तो डॉक्टर जो डॉक विल्सन थे उन्होंने क्या कहा
कि ये यूनिवर्सल रूल है, आपको कोई भी चीज फ्री नहीं मिल सकती। तो जॉडी भी करेक्ट है और इसके पापा भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने देखा एक पूरी सिचुएशन बन गई और जॉडी को परमिशन मिल गई फोन को ढूंढ कर लाने के लिए। और मिलविल से उसने क्या कहा कि आप मेरी मदद करोगे ढूंढने में फोन को, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। हाँ मैं मदद तो करूंगा लेकिन वो जिंदा भी होना चाहिए क्योंकि विदाउट मदर दैट लिटिल फोन मे हैव डाइड नाउ। हाउ यू नो इट्स अ ही? लेकिन इससे फिर बोला कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेल डियर है? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। तो उसने क्या कहा कि जो मेल डियर है उनके जो शरीर के जो स्पॉट्स होते हैं वो पूरे एक लाइन में होते हैं, वो छितरे हुए नहीं होते। ऑन अ डो फॉन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। और जो कि डो फॉन होती है, जो कि फीमेल जो फॉन होती है, फीमेल डियर होते हैं, उनका जो रहता है पूरा छितरा हुआ स्पॉट्स रहता है। तो इस तरह से मैंने उस समय जब फॉन एंड डॉग को देखा था तो मैंने फॉन के लकीर स्पॉट्स को देखा था जो कि एक लाइन में है, तो मुझे पता है कि ये ही फोन है। तो इस तरह से वो जो बच्चा है वो बहुत ही उसमें ऑब्जर्विंग क्वालिटी है, बहुत ही ऑब्जर्वेंट है। उसने पहले ही देख लिया था कि दैट इज अ फोन, क्योंकि दो फोन जो रहते हैं उनके स्पॉट्स एवरीवेयर रहते हैं पर फोन के लाइन में रहते हैं। तो ये देखो, ये मिलविल के साथ जॉडी जा रहा है और ये इनका घोड़ा है और ये उसी जगह जाएंगे जहां पर पैनी को रटल स्नेक ने काटा था और उन्होंने डो को मारा था। तो ये घना जंगल है और इसकी मम्मा ने कहा है डिनर के पहले आपको लौट कर आना है। तो दे आर गोइंग। तो व्हाट हैव यू लर्नड? वी हैव लर्नड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव कम टू नो अबाउट अ कन्वर्सेशन बिटवीन जॉडी एंड हिज फादर पेनी। बोथ आर वेरी काइंड हार्टेड, बोथ आर थिंकिंग अबाउट द फॉन एंड जॉडी स्पेशली हाउ ही कैन नॉट जस्ट हेल्पिंग हिम नॉट टू थिंक अबाउट द फॉन। तो उसने अपने पापा को कन्विंस किया, उसने अपनी मम्मा को कन्विंस किया और मिलविल के साथ वो फॉन को ढूंढने निकल गया। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हाट हैपेंड टू द फॉन, व्हाट हैपेंड टू द जॉडी। एंड प्लीज गो थ्रू द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी, से टू अदर्स एंड प्लीज जस्ट हैव लिटिल मोर अफेक्शन फॉर एनिमल्स, फॉर बेबी एनिमल्स हु आर नॉट विद द फैमिली, कैट, पपीज, दे ऑल नीड आवर हेल्प एंड केयर। In the next session, I will meet you again. Thank you.